नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बरसात का सीज़न गार्डनर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें हम जो है नए नए पेड़ पौधे लगा सकते हैं और हमारे पास जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे हम कई तरीक़ों से जो है उन पौधों से नए पौधे तैयार कर सकते हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय जो तरीका है वो है एयर लेयरिंग का। एयर लेयरिंग की हेल्प से हम एक प्लांट से और नए प्लांट्स सिर्फ 20-25 दिन में तैयार कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपको कुछ इंडोर हाउस प्लांट के बारे में बताऊंगा, जिनको आप एयर लेयरिंग मेथड से भी तैयार कर सकते हैं। एयर लेयरिंग के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारी जो प्लेलिस्ट एयर लेयरिंग की वो चेक कर सकते हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर एक, क्रोटोन। क्रोटोन एक रंग बिरंगी पत्तियों वाला इंडोर प्लांट है। ये काफ़ी लोकप्रिय प्लांट है। इसकी बहुत सी किस्में होती है जिसमें अलग अलग रंग के पत्ते होते हैं और अलग अलग डिजाइन के। नर्सरी में ये पौधा आपको 50 से 70 रुपए में मिल सकता है, लेकिन अगर आपके पास पहले से एक बड़ा प्लांट है तो इस समय आप उस पर एयर लेयरिंग करके उससे और नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको स्पंग मॉस की जरूरत पड़ेगी। स्पंग मॉस जो है वो इस तरह के प्लांट के लिए बेस्ट है। अगर आपके पास स्पंग मॉस नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। स्पंग मॉस में क्या होता है, वो नमी बना के रखती है जिससे कि जो रूट्स हैं वो जल्दी ग्रो हो जाती हैं। नंबर दो, रबड़ प्लांट। देखिए, रबड़ प्लांट जो है एक खूबसूरत इंडोर प्लांट है। ये जो है हरे पत्ते में, बरगंडी पत्ते में और जो है और वेरीगेटेड में भी आता है। अगर आपके पास इसका बड़ा प्लांट है या आपके आसपास ये प्लांट आपको दिखता है तो आप उस पर जो है एयर लेयरिंग करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने गमले में लगा रखा है, गमले में काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप उसकी हाइट कम कर सकते हैं एयर लेयरिंग करके। इससे आपको नया प्लांट भी मिल जाएगा और प्लांट की हाइट भी कम हो जाएगी। नंबर तीन, ड्रेसेनास। देखिए, ड्रेसेना जो है ये भी एक इंडोर प्लांट है। इसकी भी काफ़ी किस्में होती है, जिसमें से कुछ किस्में ऐसी होती है जो लंबी जाती है और कुछ किस्में ऐसी होती है जो छोटी होती है। इसके पत्ते भी जो है अलग अलग रंग के होते हैं, जैसे ग्रीन कलर के भी होते हैं, गोल्डन कलर के भी होते हैं और ट्राई कलर में भी होते हैं। ड्रेसेना पे भी आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं। इस पर जब आप एयर लेयरिंग करें तो इसमें आपको कट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम नॉर्मल एयर लेयरिंग करते हैं वैसे कट नहीं लगाना है। उसके बाद आप उस जगह पे आप मॉस ग्रास जो है उसको पानी में भिगोकर और पानी को निचोड़ कर वहाँ पे लगा दीजिए और उसको एयर टाइट कर दीजिए। कुछ ही दिनों में वहाँ पे जड़ें आ जाएंगी, फिर आप उनको कट करके अलग लगा सकते हैं। नंबर चार, फिलोडेंड्रोन। ये एक बड़ी पत्तियों वाला प्लांट है। इसकी कुछ किस्मों में इसकी छोटी पत्तियाँ भी आती है जो कि मनी प्लांट जैसे लगते हैं, लेकिन इसकी बड़ी पत्तियों वाली जो किस्म है आप उस पर आसानी से एयर लेयरिंग कर सकते हैं और उस प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस प्लांट में जड़ें बहुत जल्दी आ जाती है, आप चाहे तो इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। नंबर पाँच, फाइकस। इंडोर प्लांट में फाइकस काफ़ी लोकप्रिय है और ये जो है कम देखभाल वाला प्लांट है। मेरे जितने भी प्लांट हैं उन सबसे कम केयर वाला यही प्लांट है, लेकिन इसकी भी बहुत सी किस्में आती है। मेरे पास इसकी 5 से 6 किस्में अभी है। इसे बरसात के मौसम में एयर लेयरिंग से बहुत ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसके मोस्टली सभी प्लांटों में आप इस टाइम पे एयर लेयरिंग कर सकते हैं। फाइकस टाइगर बार्क जो होता है वो बोनसाई के लिए सबसे बेस्ट है। नंबर 6, सफलेरा। नर्सरी में आप सफलेरा की जो है दो किस्में देख सकते हैं, जिसमें एक ग्रीन पत्ती का होता है और दूसरा जो है वेरीगेटेड होता है। लेकिन इनके अंदर भी मैंने एक चीज़ देखी है कि एक में जो है एरियल रूट्स ग्रो होती है और एक में जो एरियल रूट्स ग्रो नहीं होती। तो जिसमें एरियल रूट्स ग्रो होती है आप वो प्लांट लेके आइए और उस पर जो है एयर लेयरिंग कीजिए तो जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और एरियल रूट्स वाले सफलेरा को आप एज ए बोनसाई भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छा बोनसाई इसका बनता है, उसमें एरियल रूट्स बहुत जल्दी ग्रो करती है रेनी सीजन में। नंबर 7, डंप कैन। ये भी एक इंडोर प्लांट है जो दिखने में आर्टिफिशियल लगता है। इसका स्टेम जो है गन्ने के स्टेम की तरह होता है, जिसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है जॉइंट से बने होते हैं, या हम गांठ कह सकते हैं, गांठ सी होती है। इसमें जब आप एयर लेयरिंग करें तो इनकी जो जॉइंट है आप जॉइंट चुन लेके कहाँ पे आपको एयर लेयरिंग करनी है और उस जॉइंट के चारों तरफ जो है मॉस ग्रास लगा दें और उसको एयर टाइट कर दें। ऐसा करने की 15 से 20 दिन में जो है उसमें ढेर सारी जड़ें आ जाएगी, जिससे आप उसको नीचे से कट करके दूसरे गमले में लगा सकते हैं। नंबर 8, सिंगोनियम। इसे वैसे तो आप कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं,
लेकिन बात एयर लेयरिंग की करें तो मैं बता दूं इसको भी एयर लेयरिंग किया जा सकता है। लास्ट टाइम मैंने इस पर एयर लेयरिंग करके देखी थी। इसमें भी जहाँ पर इसकी जो एयर रूट स्टार्ट होती है उस नोड पर जो है आप मॉस ग्रास को बांध दें और एयर टाइट कर दें, कुछ ही दिनों में उस मॉस ग्रास के अंदर ढेर सारी जो रूट्स है वो आ जाएगी। फिर आप उस नोड से नीचे से इसको कट करके दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। दोस्तों एयर लेयरिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आती है वो ये आती है कि एयर लेयरिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो देखिए एयर लेयरिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो है रेनी सीजन है, इसमें बहुत जल्दी जो रूट्स आती है। आपने इनमें से किस प्लांट पर एयर लेयरिंग की हुई है और उसका रिजल्ट आपको कैसा मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।